हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूजिन फेस्ट। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है छोले कुलचे की, जिसे हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल में। इसलिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए छोले कुलचे बनाना स्टार्ट करते हैं। छोले कुलचे बनाने के लिए सबसे पहले हम कुलचे की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 पिंच नमक, 2 चम्मच दही, 1/2 चम्मच मेल्टेड बटर। अब इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद पानी को ऐड करते हुए एक स्मूथ डो रेडी करेंगे मैदे की। पानी उतना ही ऐड करेंगे जितने की इसमें रिक्वायरमेंट होगी। मैदे की डो हमारे यहाँ पे रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक कपड़े से ढककर लगभग 30 से 45 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट होने के लिए। जब तक हमारी मैदे की डो रेडी हो रही है तब तक हम छोले की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप मटर को 4 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने कुकर में इसे डाल के पानी ऐड करके 1/2 पिंच नमक डाल के इसे 2 विसल आने तक पका लिया है। मटर की क्वांटिटी हमारी ऐसी होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा खड़ी होनी चाहिए ना ही गली। अब इसमें मैं कुछ सब्जियाँ ऐड कर रही हूँ, जैसे 1 प्याज फाइनली चॉप्ड, 1 टमाटर फाइनली चॉप्ड, थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ है ये भी फाइनली चॉप्ड है, और साथ में ऐड करूंगी धनिया की पत्ती। अब इसके बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी, जिसमें मैंने लिया है 1 चम्मच भुने हुआ जीरा पाउडर, आप नॉर्मल जीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखे की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर, 1 छोटी चम्मच गर्म मसाला, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला और 2 चम्मच इमली का पानी। अब इन सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिलाएंगे और ये देखिए हमारे छोले कुलचे की छोले भी रेडी हो चुकी है। मैदे की डो हमारी यहाँ पे सेट हो चुकी है। एक बार इसे फिर से मैश कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद बराबर बराबर साइज में इसकी डो को कट करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 डो कट किया है और अब मैं कुलचे बेलना स्टार्ट करूँगी। कुलचे बेलते वक्त इसमें हम सूखा आटा या मैदा ऐड नहीं करेंगे, बल्कि ऑयल ऐड करके इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। आप इसे राउंड या ओवल शेप में बेल सकते हैं। रोटी के साइज के मैंने यहाँ कुलचे को बेल लिया है। अब मैं इस पर पानी से ग्रीस कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी कलौंजी और साथ ही मैं ऐड करूँगी धनिया की पत्ती। उसके बाद मैं इसे फिर से हल्के हाथों से बेल लूँगी ताकि ये कलौंजी और धनिया पत्ती सेट हो जाए कुलचे में। कुलचा बनाने के लिए मैंने गैस पे तवे को चढ़ा दिया है। अब मैं इस पे कुलचा ऐड करूँगी। इसके लिए मैंने कुलचे के एक साइड को पानी से ग्रीस कर लिया है और तवे को यहाँ पे गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ कुलचे को ऐड करेंगे। कुलचा बनाते वक्त फ्लेम को मीडियम रखेंगे। इसके साइड्स में हमने पानी ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसे ढक दूँगी, इससे स्टीम बनेगा जिससे कि हमारे कुलचे और भी सॉफ्ट फ्लफी बनेंगे। और इसे मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे ढक्कन को हटाएंगे और कुलचे को पलट के दूसरी ओर से पकाएंगे। फिर से हम चारों ओर इसकी पानी ग्रीस करेंगे। उसके बाद इसे ढक देंगे और लो फ्लेम पे
3 से 4 मिनट के लिए फिर से पकने देंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमारे कुलचे दोनों साइड से पक चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से अपने बाकी कुलचे बनाएंगे। कुलचा हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब मैं इसके दोनों साइड मेल्टेड बटर से इसे ग्रीस कर रही हूँ। ग्रीस करने के बाद मैं इसे एक फाइनल टच दूंगी प्याज और टमाटर के तड़के के साथ में। प्याज और टमाटर का तड़का रेडी करने के लिए मैंने गैस में पैन को चढ़ा दिया है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच बटर। आप इसकी जगह पर कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ साबुत जीरा, थोड़े सी ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप्ड। जब ये दोनों अच्छे से तड़क जाएँ तब मैं इसमें ऐड करूँगी एक प्याज जिसे मैंने लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को आपस में मिला के कुछ देर के लिए सोटे करेंगे। हमें यहाँ प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ी देर के लिए इसे सोते करना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर एक मीडियम साइज की, जिसे आपस में मिलाएंगे अच्छे से। अब साथ में इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी, जिसमें मैं ले रही हूँ 2 चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरे का पाउडर और 1 चम्मच धनिया का पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को आपस में मिलाकर लगभग 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। प्याज और टमाटर की तड़का हमारी रेडी है। अब मैंने यहाँ पे कुलचे को ऐड कर दिया है और दोनों साइड से प्याज और टमाटर के तड़के से इसकी कोटिंग करेंगे। अच्छे से पलटते हुए प्याज और टमाटर को इसके ऊपर से कोटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे तवा कुलचा की कुलचा रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। मैंने यहाँ प्लेटिंग के लिए डिस्पोजल प्लेट का यूज़ किया है, क्योंकि मैंने स्ट्रीट स्टाइल में छोले कुलचे बनाए हैं तो हम इसकी प्लेटिंग भी स्ट्रीट स्टाइल में करेंगे। तो ये देखिए हमारा अनलॉक स्पेशल स्ट्रीट स्टाइल छोले कुलचा रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और इन्जॉय करें और अपने फीडबैक को मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी इसी तरह की टेस्टी और इजी रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।